मेरी एक आपसे थोड़ी प्रार्थना है। भगत लोग, आज मैं आपको पहले अलर्ट किया कि जरा सावधानी में रहिएगा, थोड़ा भी बहकेंगे तो कथा चली जाएगी। हम लोग जो कर रहे हैं ये भक्ति है कि नहीं, इस पर विचार किया करिए। पहली भक्ति संत संग, दूसरी कथा प्रसंगों में रति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यदि आपका कथा प्रसंगों में प्रेम है तो आप भक्ति कर रहे हैं। राम जन्म प्रसंग, शिव विवाह प्रसंग, केवट प्रेम का प्रसंग, शबरी अम्बा का प्रसंग, श्री हनुमान जी मैया के मिलन का संवाद का प्रसंग, जो प्रसंग कथा प्रसंगों में प्रीति भक्ति है। गुरुदेव के सिर चरणों की सेवा मान रहित तो होकर जो बन जाए गुरुमान श्रेष्ठ अमान। चौथी भक्ति भगवान के गुण समूहों का गान बनता है। आपकी भक्ति चल रही है, विश्वास में अपने को रहना होगा। पंचम मंत्र जाप, विश्वास पूर्वक भगवान के पावन मंत्रों का जाप। किसी मंत्र को ले लीजिए, जपते रहिए, रगड़ते रहिए दृढ़ता पूर्वक। मंत्राधीन देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना मंत्राधीना देवता। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कह बस कर अंकुश कर। छठवां इंद्रिय निग्रहता, बहुत हो गया संसार में, बहुत रत हो लिए। सज्जन धर्मों में अनुरक्ति, सज्जन मने सज्जन धर्म क्या है, अब हर हाल में भगवान के स्मरण में लगे रहें, ये सज्जन धर्म है। कितनी भी विकटता हो भगवान का भजन चलता रहे भैया, यही सज्जन धर्म है। श्री हनुमान जी ने क्या कहा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कौन, अरे मन में तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। निरत निरंतर सज्जन धर्म, हर हाल में भगवत स्मरण बने, यही सज्जन का धर्म है। छठवीं भक्ति सातवीं समता, समत्व। सबके मन में भेद होना चाहिए, ठीक है भगत जी के मन में भेद न हो। योग दर्शन का भी सूत्र है समत्वम योग उच्यते, समता। वाद रहित, विवाद रहित, ऊपर नीचे रहित, समता। भगत की दृष्टि सम दृष्टि होनी चाहिए, समत्वम भाव। सातम सम, सब में सम। मोहिमे सी राम मह सब जग जानी, करूं प्रणाम। भक्ति में वाद नहीं है। भक्ति में बात नहीं, मोहिमय जग देखा। मैं क्यों कह रहा हूं, घर में बंटवारा जो भगत न हो वो करे समझ में आता है। भगत जी खोपड़ी छिलाई के चंदन लगावत है तब वो भाई से बंटवारा मांगत है, ये क्या है? फिर हम क्या भक्ति करते हैं? अरे साहब ज्यादा चला जाएगा, जाने दो, कोई लेके गया है क्या? किसी की कोई भी संपदा दूसरा जो अधिकारी नहीं है वो उसका उपयोग कर ही नहीं सकता है, उसको वो सताएगा, नागस धसेगा। भगतो तोच करो, तोच में रहो। भगत का कभी अहित हो ही नहीं सकता। कौंते प्रतिजानामी नचमे भक्ता प्रणश्यति। अरे
भगवान के भक्तों का कभी हित होता क्या? बुआ जी, एक कोई बुआ बैठे हो तो बुरा मन मानना, बुआ जी तप करके एक शाल पाई। उस शाल की विशेषता क्या थी कि उसको ओढ़ करके बुआ जी बैठ जाएंगी तो अग्नि में भी नहीं जलेंगी, और भगत जी को गोदी में लेके बैठी और बुआ जी ही भस्म हो गई और भतीजा राम 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 करते बाहर आ गए, ले हो गया काम। किसकी बात कर रहा हूं? अरे जोर से बोलिए, प्रहलाद जी और होलिका बुआ। अब वो तब वरदान था तो वरदान भी, अरे भैया जब राम भगत को लेकर के आग में जलाने का प्रयास करोगे तो अग्नि कौन है? आ तो राम जी का कारण नहीं, अग्नि के कारण राम जी। भगत का अहित होता है क्या? नहीं रहा। अरे किए जाहि छाया जलद सुखद बहै बरबात, तस्मग भयबुन राम कहां जस भा भर तही जा। मेघ छाया कर रहे हैं किसके ऊपर? भरत जी और समाज के ऊपर। हवा शीतल मंद सुगंधि बह रही है। प्रभु जैसा मार्ग भरत जी को हो गया, मृदुल हो गया, वैसा प्रभु के जाते नहीं हुआ था। कोई भगवान का भक्त कह रहे हमारा अहित हुआ, हो ही नहीं सकता। भगवान का जो है उसका अहित कोई नहीं कर सकता, न आग जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है, न आकाश अपने में लीन कर सकता है, न पानी अपने में लीन कर सकता है, न धरती अपने में प्रवेश करा सकता। निश्चिंत केवल भक्ति करिए, कर्म पूर्वक भक्ति करिए, प्रमाद पूर्वक नहीं। कि पता चला कि जय जय जब काम का समय है तो माला लेके बैठे हैं और जब भोजन का समय है तो सबसे पहले पंक्ति में बैठ गए, चम्मच पीट रहे हैं थाली में, लाओ लाओ। अरे भैया क्या काम करके आए? बोले माला जप रहे थे। तो खाने का तो कुछ किया ही नहीं, माला तो परलोक का काम है, इहलोक में कुछ किया क्या? नहीं नहीं हमको तो यही काम मिला है, ये काम नहीं है। देखो भजन पूजन भक्ति ये जगत के व्यवहार से पहले चक्कर करने के लिए है, काम के समय है। पूजा पाठ प्रातः वेला में कर लो, 5-6 बजे कर लो, कार्य के समय कार्य में लगो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम के समय काम करो। आठों यथालाभ, सतपथ से चलकर जो मिले वही संतोष दिलाता है। यथालाभ संतोषा, परदोष दर्शन नहीं, तब आएगा। नौवां सरल, नवम सरल, ये भक्ति है। सरल स्वभाव नमन को दिलाई, सरल उत्तरकांड परमात्मा कहते हैं नमन को दिलाई, यथालाभ संसर्गा प्रीति सदा, जन संसर्गा त्रिन सम विषय स्वर्गय पवर्गा।
बहुत कहूं का कथा बढ़ाई बहुत कहूं का आत्मा कहते कथा बढ़ाई यही आचरण वश्य में सब प्रकार भगति त्रिण